हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कंपन की डिसीज के बारे में, जिसे हम थेमर बोलते हैं। इस डिसीज के लिए मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगी। इस मेडिसिन को लेके आप अपनी थेमर की डिसीज को, कंपन की डिसीज को धीरे धीरे करके ठीक कर सकते हैं। एकदम से कोई भी डिसीज, कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी को ठीक करने में टाइम लगता है। जैसे आपको कोई भी डिसीज़ हो जाती है, उस डिसीज़ को ठीक करने में आपको टाइम लगता है, उसी प्रकार आपको थेमर की डिसीज़ है, कंपन की डिसीज़ है, इसको भी ठीक करने के लिए आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं थेमर के सिम्टम्स के ऊपर, कि क्या सिम्टम्स नज़र आता है पेशेंट को जब पेशेंट को कंपन की डिसीज़ हो जाती है। हम सिर से स्टार्ट करते हैं। जब पेशेंट को कंपन की समस्या स्टार्ट होती है, डिसीज स्टार्ट होती है, तो ये जो डिसीज़ है 60 प्लस जो पेशेंट होते हैं उनको भी होती है, जिनकी एज 60 के ऊपर होती है उनको भी होती है। और आजकल तो ऐसा भी देखा जाता है कि जिनकी एज 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, उनमें भी कंपन की समस्या है, कंपन की डिसीज़ देखी जा रही है। तो इस डिसीज़ में जो सिर है बहुत ज़्यादा हिलता है, जैसे पेशेंट बैठा है तो कंटिन्यू पेशेंट का सिर ऑटोमेटिक हिलेगा। अगर वो बात भी नहीं कर रहा है तो भी हिलेगा, बात कर रहा है तो भी हिलेगा। ये जो सिर है कंटिन्यू हिलता रहता है, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील होती है जब पेशेंट का सिर हिलता है। तो साथ में पेशेंट का टंग, जो जैसे हम जीभ बोलते हैं, जीभ में बहुत ज़्यादा कंपन होती है, जीभ ऑटोमेटिक हिलती है, जिससे पेशेंट सही से बात नहीं कर पाता है। कुछ भी बात करता है तो उसको नर्वसनेस फील होती है या बहुत कम बात करता है, और जो भी बात करता है तो जो प्रोनाउंसिएशन है, जो सही तरीके से बात करना चाहिए वैसे बात नहीं कर पाता है, उसके माउथ से जो साउंड निकलता है, आवाज़ निकलती है, तुतलाने की आवाज़ निकलती है, उसका ऐसा फील होता है कि जो भी बात करेगा वो सही से बात नहीं कर पाएगा अपनी जीभ की कंपन के कारण। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इस ये जो डिसीज़ है बहुत गंभीर है, तो इसे आप हल्के में ना लें। साथ में कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका पूरा हाथ हिलता है, जो हाथ हिलता है, कोई भी हाथ हिल सकता है या फिर दोनों हाथ हिल सकते हैं, ये जो हाथ है कंटिन्यू हिलता है, या फिर फिंगर हिलती है, जो फिंगर हिलेगी कंटिन्यू हिलेगी। पेशेंट अगर एक ग्लास भी पकड़ रहा है तो ग्लास पकड़ने भी उसका हाथ बहुत ज़्यादा कांपेगा, या पानी पी रहा है तो सही से पी नहीं पाएगा, चाय पी रहा है या कोई ड्रिंक पी रहा है तो सही से नहीं पी पाता है, उसका हाथ बहुत ज़्यादा कांपता है। साथ में अगर कुछ लिखना भी चाहे तो सही तरीके से नहीं लिख पाता है, हाथ उसका कांपता है, जिसके कारण सही से नहीं लिख पाता, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील करता है और ना सही से कुछ सामान पकड़ पाता है। तो ये भी एक गंभीर समस्या है। साथ में पैरों में भी बहुत ज़्यादा कंपन देखी जाती है, कहीं पेशेंट जाना चाहे या बैठता है तो उसके पैर ऑटोमेटिक हिलते हैं, या कहीं जाता है तो ऑटोमेटिक उसके पैर हिलते हैं, बैठने में, खड़े होने में, हर एक मूवमेंट करने में पेशेंट के पैर बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। जैसे पेशेंट को 40 साल में थैमर की, कंपन की डिसीज़ स्टार्ट हुई है, तो ये जो बीमारी है धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पेशेंट की पूरी बॉडी में कंपन होना स्टार्ट हो जाता है। और जो ओल्ड पेशेंट हैं तो उनको तो है ही, साथ में जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको भी कंपन की समस्या, थैमर की डिसीज़ देखी जा रही है। तो इसके लिए मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन बता देती हूँ। इसके लिए आपको होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है जलसीनियम, 30 पोटेंसी में लेना है, इसको दिन में 2 बार लेना है, मॉर्निंग में 2 ड्रॉप लेना है और नाइट में 2 ड्रॉप लेना है, और ये मेडिसिन आपको कंटिन्यू रखना है लॉन्ग टाइम तक। जो नेक्स्ट मेडिसिन आपको लेनी है मार्कसॉल लेनी है, ये भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है, ये भी आपको दिन में 2 बार लेना है। जब भी आप जलसीनियम लेते हैं उसके आधे घंटे बाद मार्कसॉल लीजिएगा, 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप लीजिएगा। ये दोनों मेडिसिन को सुबह शाम लेना है, दोनों मेडिसिन के बीच गैप रखना है। आप इस मेडिसिन को लेते हैं
तो आपको कंपन की समस्या, थैमर की डिसीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको मेडिसिन कई दिनों तक लेनी पड़ेगी, काफी लॉन्ग टाइम तक लेना पड़ेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, साथ मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।